बड़े रेस्टोरेंट में सिर्फ हम दोनों। ये पूरा रेस्टोरेंट मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बुक किया है। मैं नहीं चाहता था कि हमें कोई डिस्टर्ब करे। सैप, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी मिस्टी, क्योंकि तुम्हारे बर्थडे पार्टी में बहुत भीड़ थी मिस्टी। मैं भीड़ से दूर जाना चाहता था। तुम्हारा बर्थडे खास तरीके से मनाना चाहता था, जहाँ पर सिर्फ तुम हो और मैं। सैप, मेरी शादी। मैं जानता हूँ मिस्टी, तुम्हारी शादी होने वाली है। दुनिया में बहुत सारे लोग दूसरों की खुशी के लिए शादी करते हैं, क्या वो खुश रह पाते हैं? मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम खुश हो? मिस्टी, क्या ये सही होगा कि मैं तुम्हारे इतने करीब आके तुमसे दूर चला जाऊं और मुड़ के एक बार भी ना देखूं? नहीं सर। एक्सक्यूज मी सर, सर आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझसे? जी सर, आप इधर आएंगे जरा? चलिए। क्या हुआ? गॉड, आई मिस्ड यू सो मच बेबी। कौन थी वो? पता नहीं, मैं मिला नहीं उससे कभी पहले। अगर तुम पहले कभी उससे मिले नहीं तो वो इस तरह रो क्यों रही थी? और उसे कैसे पता चला कि तुम यहाँ हो? और वो तुम्हारे पीछे यहाँ कैसे पहुंच गई? मिस्टी, आई डोंट नो, मैं उससे पहले कभी नहीं मिला। पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई थी, सारे शाम का मजा खराब हुआ। लेट्स जस्ट गो फ्रॉम हियर। ओके, मैं तुम रुको, मैं एक मिनट आता हूँ। तुम्हारा इंतजार करूंगी। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया, प्लीज जल्दी आना। कहीं ये वही लड़की तो नहीं जो यहां आई थी? सर, मुझे कॉफी पीना है, तुम्हारे घर चलो। मेरे घर? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? Are you sure? I'm sure.
देखो मुझे वहां नहीं आना चाहिए था। I'm so sorry, darling, I disturbed you. मैं तुमसे ये भी नहीं पूछ रही हूँ कि वो लड़की कौन है। देखो जब तक तुम मेरे साथ हर रात गुजारने के लिए तैयार हो। Just shut up. मिस्टी, अरे मिस्टी, वो झूठ बोल रही है। She's lying, okay? सबने कहा था मुझसे, सबने कहा था इस पे विश्वास मत करना। He's a plot, धोखेबाज है। मैंने किया, यहां तक कि मैंने कृपा की बातों तक को नजरअंदाज कर दिया। यकीन नहीं किया मैंने उसका। तुम्हारे लिए मैं अपनी सगाई तोड़ने वाली थी मैं अपनी। You hurt me. Stay away from me, Zen. मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। I'll kill you. Just stay away from me. मिस्टी, वो झूठ बोल रही है। चली गई मिस्टी। हाँ अंकद, ये सब कुछ मैंने ही किया है। मुझे गलत रास्ता चुनना ही पड़ा अंकद। मिष्टी की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। इस रास्ते पर चलने के लिए तुम ही ने मुझे मजबूर किया है। अपने भाई की होने वाली बीवी के साथ तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? You disgust me, अंकद। तुम पागल हो चुके हो। बस करो। तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया। अब मेरी बारी है। मैं मिस्टी के सामने प्रूफ कर दूंगा कि मेरा इस लड़की के साथ कुछ लेना देना नहीं है। और ये भी प्रूफ कर दूंगा कि तुम इस लड़की को यहां लेके आई। सॉरी अंकद, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं आज तक उस लड़की से सिर्फ एक बार मिली हूँ, वो भी रेस्टोरेंट के अंधेरे कोने में। इसीलिए तुम चाहे कुछ भी करो, कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी मुझे नहीं लगता वो लड़की इतनी आसानी से अपना मुंह खोलेगी। क्यों कर रही हो ये सब तुम? क्यों मिस्टी और मेरे बीच में आ रही हो? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती हूँ, और तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि तुम जो मिस्टी के साथ करते हो वो मुझे जरा भी नहीं पसंद। Really? तो तुम्हें क्या पसंद है? मिस्टी की जगह तुम मेरी जिंदगी में आओ, उसकी जगह मेरी बाहों में तुम आओ। कभी नहीं, ये घटिया बात सपने में भी अपने दिमाग में मत आने दे, वरना। ये तुम क्या कर रहे हो अंकद? वही जो मैं आज मिस्टी के साथ करने वाला था, तुमने तो वो होने नहीं दिया। तुम कोई अंकद, छोड़ो मुझे, अंकद छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। अंकद क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो। छोड़ो मुझे, मैं वादा करता हूँ ये सब कभी नहीं बोलेगा। छोड़ो मुझे।
ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? क्योंकि तुम इतनी बुरी हो। यकीन नहीं होता, जिसे मैंने कभी अपनी जान से ज्यादा चाहा था वो आदमी इस हद तक नीचे गिर सकता है। कभी जितना प्यार किया था मैंने अंगद, उससे कई गुना ज्यादा नफरत है मुझे उससे। पर फिर भी मुझे ये तकलीफ क्यों हो रही है? ये आंसू किसके लिए? की राहों पे ये
अकेला है, तुमसे ये कह भी ना पाए, और हो गए हम पराए। कैसा